उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के केटीटी पब्लिक स्कूल परिसर में निर्मित महाराणा प्रताप भवन के सभागार में दो दिवसीय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के खुले अधिवेशन व कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर HB सिंह के साथ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू व महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी सहित विभिन्न प्रदेशों से आए प्रदेश के अध्यक्ष व पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह के द्वारा महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यकारिणी की बैठक शाम 4 बजे से शुरू हो गई थी, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष सहित पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह, कर्नल बच्चन सिंह राणा व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू की उपस्थिति में बैठक शुरू की गई। क्षत्रिय समाज के विभिन्न महापुरुषों को जाति के बंधन में जोड़कर प्रस्तुत करने वाले विभिन्न TV चैनल व अखबारों पर प्रतिबंध लगाना, सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना सहित तमाम मुद्दे शामिल होंगे। आज की प्रेस का क्या होगा? आज मुझे एक मत से फिर 3 साल के लिए लोगों ने निर्वाचित किया है, उनका सबका आभार मानता हूँ। हमारे साथ महामंत्री रघुवंश सिंह राजू जी हैं, बच्चन सिंह तेजर हैं। 3 पोस्ट का निर्वाचन हुआ है, बाकी हम लोग आपस में सहमति से कमेटी बनाएंगे। क्षत्रियों का थोड़ा सा जो काम है बदल गया है, पहले हम लोग तलवार चलाते थे, अब हम सबसे कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पेन की ताकत, कलम की ताकत दी, तलवार प्रासंगिक नहीं रही है। सब लोग ध्यान भी दे रहे हैं, दहेज रहित शादियाँ हों और दहेज का पैसा लड़की के हायर एजुकेशन पर खर्चा हो, अच्छी बहुएँ लाइए जो आपका घर बना देंगी, थोड़े से पैसे के लालच में गलत लड़की बतलाइए घर में, और थोड़ा सा पैसा जब कम हो जाता है तो उसके लड़की के पिताजी उसकी पढ़ाई कट करके दहेज देने के लिए पैसा रख देते हैं। जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उसको मतलब ख़त्म की जाए। भगवान राम की धरती पर हम हैं, उन्होंने शबरी के जूठे बैर खाए थे, सही करो। हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम लोगों को आदिवासियों तक, गरीबों तक पहुँचना चाहिए, वो हमारा धर्म रहा है। भगवान राम ने जो कुछ शिक्षा दिया है, जो उनकी सहनशीलता रही है, वो सब हम लोग उतारेंगे अपने अंदर। यही यहाँ का मैसेज है। और देश कैसे आगे जाएगा, अभी आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी महिला मुर्मू को राष्ट्रपति की पोस्ट दी जा रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उन्होंने अंतिम व्यक्ति को भी सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठाने का साहस किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और पूरा क्षत्रिय महासभा उनके अभिनंदन करती है। भगवान राम का जो मैसेज है वो लेके हम लोग जा रहे हैं कि अंतिम क्षण तक साहस को नहीं खोना चाहिए। लक्ष्मण को शक्ति लगती है तब भी साहस नहीं खोते हैं, उनको नाकफांस लगता है तब भी साहस नहीं खोते हैं, और अयोध्या से सेना नहीं मंगाते हैं, भालू बंदरों की सेना लेके, आदिवासियों को लेके रावण जैसे प्रतापी राजा के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये सत्य की विजय होती है, तो उसी आदर्श पे हमको चलना चाहिए, हम उसी खानदान से हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम भी HB सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ रखा गया, डॉक्टर HB सिंह के नेतृत्व में साकेत कॉलेज चला है, इन प्रिंसिपल रहे बहुत दिन तक, और करीब 80 से ज़्यादा बच्चे PhD हुए इनके अंडर में। एक छोटी बात, संख्या नहीं है, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। कोई IAS है, कोई IPS है, तमाम लोग यहाँ से निकले हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई MP है, कोई MLA है, उन्होंने बहुत अच्छा मार्ग। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर।